तो जितनी समृद्ध आपकी बोली उतना समृद्ध आप हिंदी के वक्ता। क्या बात, मैं इतना समृद्ध हिंदी क्यों बोलता, क्योंकि मैं गरिया का बहुत तगड़ा हूँ, बहुत समृद्ध है मेरी बोली, तो बोली को छूओ। क्या बात, कहने का आशय ये है कि जो भाषा आप अर्जित करते हैं वो तभी बेहतर हो सकती है जब आपकी आधार भाषा बड़ी समृद्ध होगी, जब आपका अपनी आधार भाषा, आधार भाषा बोलियों से, जब आपकी अपनी आधार भाषा पर आपकी मजबूती पकड़ होगी, तब आप परिमार्जित भाषा, अर्जित भाषा में समृद्ध होंगे। तो अंग्रेजी आप सीखे, हिंदी के प्रति हेयता ना लाए, थोड़ा भावना लाए, क्योंकि आज आप हिंदी आपकी आधार भाषा है, हिंदी से आप परिमार्जित होकर के अंग्रेजी की तरफ पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी आपकी मार तभी करेगी जब आपकी हिंदी में जबरदस्त पकड़ होगी। क्या बात, क्या बात, नहीं आप अलंकार नहीं रच पाएंगे। क्या बात है, हमारे जो मनीषी थे ब्रिटिश पीरियड में, जो पंडित थे, वो हिंदी के बड़े विद्वान, जब अंग्रेजी बोले तो हिंदी भाषा का भावानुवाद किस भाषा में अक्षमता कर देगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, एक एक सूरज, सूरज का मजा रवि, भानु करता ही नहीं, रवि अलग, भानु अलग, या वेरी गुड, भास्कर अलग, ये हिंदी इतनी समृद्ध, सुबह का सूरज रवि, दोपहरी का भानु, संजय का भास्कर, ऐसे सब रवि भानु भास्कर थे। अगर तुम्हारा नाम भास्कर तो तुम ढलते सूरज, तुम्हारा नाम रवि तुम उगते सूरज, क्या बात, बिल्कुल सही, भानु तुम सफिस करते हुए सूरज, बिल्कुल क्या भाव है, क्या बात, बहुत सही। तो जब इस तत्व को जानने वाला आदमी अंग्रेजी में अनुवाद करेगा तो स्तन नहीं लिखेगा, वो तो मेटाफर का उपयोग करेगा, मारेगा वो, खजवाएंगे अंग्रेज। इसलिए कि अंग्रेजी में तत्व ज्ञान है नहीं, आपका आधार बहुत मजबूत है, तो आप बुढ़े परिमार्जित हो लेकिन अपना आधार मजबूत करें, अंग्रेजी सीखे। क्या बात है, क्या बात, हिंदी में पंडित बने पहले आप, हिंदी के प्रति हेता नहीं आनी चाहिए, कोई हिंदी में बोल दिया हंसते, ये थी मैंने चेतन की बात की, ये जड़ की बात है, आकाश बोला है, आपकी आधार बात, मेरा वक्तव्य समाप्त। अब बची दो शंका है, पहली शंका, राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों नहीं, राउत जी कुछ नहीं इसमें मरम, राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों नहीं है, रोइए मत, आग्रह देखो, हमारी जो बोलियां थी, मैथिली हुई, अवधी हुई, फतेहपुर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तमाम बोलियां हैं, उन बोलियों का तो परिमार्जन हो सकता है, कन्नड़ का तो परिमार्जन नहीं हो सकता इसमें, उनको मिला के तो हम परिष्कृत हिंदी बना लिया। तो हिंदी का जो लेना देना है, जो सरोकार है, वो उत्तर भारत में है, वहां समृद्ध, वो हमारी राजभाषा है, चूंकि उसकी वैज्ञानिकता इतनी है, उसका व्याकरण इतना समृद्ध है, सबल इतनी है कि उसको उपयोग में सबको लेना चाहिए अगर भला चाहते हो तो। और इस भाव से हमारी भाषा का पूरे देश नहीं, डॉक्टर जयश्री आज मुझे वीडियो भेजा, उन्होंने जापान के कई लोगों को हिंदी दिवस पे हिंदी पढ़ा रहे, ऐसे बहुत लोग काम कर रहे हैं, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो इस नाते तो हिंदी बड़ी समृद्ध है और लोग हिंदी से जुड़ रहे हैं, तो ये राजभाषा है, काम काज में उपयोग करो। एक बात आपको बताऊंगा, जान के हैरानी होगी कि हिंदी भाषी लोग जब अपने काम काज में हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर उतना रोमांच नहीं होता जितना गैर हिंदी भाषी। क्या बात, अमिताभ शुक्ला देश के जाने माने IRS, अपने जमाने में दिल्ली के सीपी के सारे सुनारों की बखिया उधेड़े थे, IRS थे, उनके साथ मैंने काम किया, प्रसार भारती से प्रोग्राम प्रमोशन यूनिट बनी, दूरदर्शन आकाशवाणी का क्रॉस चैनल, क्रॉस मीडिया पब्लिसिटी की स्क्रीनिंग कमेटी में था मैं, तो सब कुछ करता था, मैंने हिंदी में फाइल बनानी शुरू की, पूरा अंग्रेजी चलता था, क्या बात, मैंने हिंदी में बनाई, तो कोई राव, कोई पिल्लई, अमिताभ शुक्ला भी पूरा सब अंग्रेजी का थे, तो मैंने हिंदी में फाइल बनाई, तो जब उनको फॉरवर्ड करना था तो उन्होंने लिखा कृते
यथा अग्रेशित। मैंने सिखाया उनको। क्या बात, कोई भेद नहीं है। उन्होंने ऐसा किया, ये अपनी बिल्कुल जीवन घटना बता दो, रोमांचित हुए लोग, उस दिन आदेश पारित किया, ये पीपी यूनिट में कोई फाइल अंग्रेजी में नहीं बनेगी जब तक अमित राज को दिया, और आगे भी, और आज भी हिंदी में चल रही है प्रसार भारती, देखते रहिएगा। तो मैंने रोमांच देखा है गैर हिंदी भाषियों में। आप मुझे बताएं, राजभाषा तो हो गई हिंदी, राष्ट्रभाषा कैसे नहीं, वो बता रहा हूं। राष्ट्र हमारा बहुत बड़ा, अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दें तब तो कन्नड़ भाषा वाले पे हिंदी थोपना हुआ सहज नहीं रहेगा, तमिल वाला तो असहज रहेगा, बिल्कुल सही। तो आप तो उसकी परफॉर्मेंस घटा दोगे जी, कतई राष्ट्रभाषा बनाओ ही मत, नहीं तो मैं तो बचा रहूंगा, कन्नड़ इल्लई पिल्लई से बात मत कर लेगा। राजभाषा रहने तो सहज सीखने, मातृत्व भाव से जो भी आत्मीय भाव उस भाव से सीखने, मैं बता रहा हूं आपको सब प्रमाण, हिंदी बहुत दुनिया में सब सीख रहे हैं। राष्ट्रभाषा अवैज्ञानिक है, हिंदी कभी ऐसे लिखो ही मत राष्ट्रभाषा नहीं बन रही, मैं रो रहा हूं कुछ नहीं, अरे आप अवैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं, अवैज्ञानिक है हिंदी इतनी समृद्ध। पहली शंका समाप्त। दूसरी शंका, जब हम बोलते हैं बग्गा का अड्डा पे लाओ भगत कामिनी, जो भी है तमाम जोक्स वोक्स आते हैं, तो जब हिंदी इतनी अच्छी है तब ये सब चीजें हम सुनते हैं, आप कितने बड़े हिंदी प्रेमी हो, आपको भी हंसी आती होगी, तो इतनी हंसी आती है क्यों आपको अगर हिंदी से इतना लगाओ? कारण कारण ये कि लड़का जब अपने घर से बाहर छुछुआना ज्यादा शुरू कर दे तो घर के सरोकारों को भूल जाता है, जब चैकुआ गुंडा बनने लगता है, हम सब चैकुआ गुंडा है, घर की समस्या में पता नहीं, अम्मा करे पूरी बाल्टी पानी भरो, अरे रुक जाओ रंजन के पास लेके आए, रंजन कहाँ पूछ रहे, फिर बताओ कि शाम की माँ वाली निकल रही, तुम ससु कहाँ रहो, ये सरोकार है, तुम दो बाल्टी पानी भर रहे हो, फिर तुम कहते हो कि हम अम्मा बहुत चाहिए, ऐसे थोड़ी चाहते हैं, अरे अम्मा के सरोकारों को समझो, पिता को बताना नहीं पड़ेगा आपको तुम्हें करना क्या। तो हिंदी के प्रति मातृत्व भाव को प्रदर्शित करने से कुछ नहीं होगा, मर्म को तत्व को अनुभूत करना पड़ेगा। प्रमाण मुझे आप ये बताएं, आप स्वतः कहते हैं कमलेश सर ने भी एक बात कही थी कि हमारी एक आप बहुत स्पष्ट लिखे थे उसमें कि हमारी हिंदी जो भाषा है उसने तमाम भाषाओं को अपने अंदर समेटा है, ये उसका स्वभाव है जी, ये स्वभाव है, ये तुम्हारी अम्मा सिखाए कि भूखे को रोटी दो, तुम निकले कंजूस सेठ की संगत में, तुम खलपना छुपाओ जाके मम्मी के फिर पैर दबाओ, बोले तुमका बहुत चाहिए का चाहिए, माता ने जो सिखाया उसने उसका तो तुमने खंडन किया, उसका तो तुम विरोध में चले गए और फिर रुदन करते हो और मातृत्व भाव बताते हो। हिंदी ने क्या सिखाया? हिंदी ने सिखाया है क्या? ऑब्जर्वेशन सिखाया, ऑब्जर्वेशन सिखाया, अपनाओ, एडॉप्ट। तो हम इतने समृद्ध थे, स्वभाव है। हिंदी ने कहा हमारे अवध में जब उर्दू अदब की भाषा फली फूली, तो हिंदी आपको पता है उर्दू को हिंदी का क्या बोलते हैं? उर्दू को हिंदी का सहोदर बोलते हैं, सहोदर, सहोदर लिंग विहीन शब्द है सहोदर, आप भी मेरे सहोदर हैं, कोई भी मैडम है वो भी मेरी सहोदर है, सहोदर भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, उसके लिए कॉमन जो शब्द रचा गया वो सहोदर। अब हिंदी का तुम ढूंढो लिंग क्या है, लेकिन हिंदी सहोदर उर्दू, तो उर्दू तो हिंदी का सहोदर है, हिंदी ने उर्दू को अपने अंदर समेट लिया, उसको शरण दे दी, और हमारा धर्म शास्त्र सब पूरा दर्शन ये कहता है, शरण में जो है उसके साथ कैसा व्यवहार, तुम्हारी अम्मा ने दे दी शरण, तुम शाम को देते हो गाली, तो हिंदी ने उर्दू को अवसर किया, अपने यहां शरण दे दी। इसलिए जो इरशाद कामिल और तमाम गीतकार हैं
और लिखते हैं हिंदी में, और जब कहीं आनंद लेना होता है, मजा, उर्दू मारते हैं। मिले रूस और करारा जी ने भी एक लिखा था, कब्र को क्या बोलते हैं, लहर, तो हिंदी के कभी लिख रहे लहर, पाप कर रहे हैं क्या? अरे भैया भैया अम्मा कहा मान रहे हैं, हिंदी ने कहा कि हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, अपने अंदर शरण दे दी, तो तुम उसका उपयोग करो। हिंदी ने कई जगह अंग्रेजी के शब्द होते हैं, आपको अंग्रेजी ही बोलनी पड़ती, तो कैसा संकोच, डरे डरे से काहे हो तुम? हिंदी का स्वभाव है, तुम अपने प्रकृति में हो। बिच्छू का काम है डंक मारना, बिच्छू डंक मारे, तुम बिच्छू को गरियाओ तो तुम पापी, बिच्छू अपना धर्म कर रहे तुम उसको धर्म विमुख कर, उसका काम है डंक मारना, डंक मारे तुम पढ़ाई करते हो, गर्मी बहुत हो रही, तुम बेवकूफ पढ़ो, गर्मी मौसम का काम है गर्म करना, तुम्हें गर्म कर रही, तुम पढ़ो, कल ठंडी आएगी ठंडा करेगी, पढ़ो बरसात आएगी बारिश करेगी, तुम पढ़ो, ठंडी अपना धर्म निभा रही, गर्मी अपना धर्म निभा रही, बारिश अपना धर्म, तुम दूसरे का चूल्हा झांक रहे, अपना काम कर रहे, तो अपने अपने धर्म में रहो, तो आपका धर्म है कि जो आपको माने सिखाया वो मानिए, आपका जो धर्म है, आपका जो स्वभाव है, स्वभाव नहीं होना चाहिए, आपका स्वभाव है सहिष्णुता, हिंदी का स्वभाव है सहिष्णुता, हिंदी ने सबको अपने भीतर समेटा, माने समेटा, बच्चा अलग करे माँ को दर्द होगा, इसीलिए हिंदी खूबसूरत कब लगेगी, किसी माँ के चार बेटे, सौतेला ही सही, हमारे यहाँ बताइए सौतेले बेटे को क्या कुछ अलग दृष्टि से देखा गया है, तो नहीं तुम्हारा बेटा, ये हमारी संस्कृति, तो हिंदी ने जिन जिन भाषाओं को समेटा है, आप जब उनको अलग करोगे तो हंसी के पात्र बनोगे आप, यही कारण है कि जब आप हिंदी की खूबसूरतियों को अलग करके आप बहुत ज्यादा किस्तता का प्रयोग करते हैं तो आप हंसी के पात्र बनोगे। इसीलिए जब आप रेलगाड़ी को लाहो गवनी टाइप से कुछ बोलते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं, यही कारण है। ये थी शंका समाधान, बात अभी मैं समाप्त करूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का धीरे से सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अभी भैया हम लोग राजपूत जी को सुन रहे थे, सच ये है कि अमित राजपूत तो समकालीन कविता का एक सशक्त हस्ताक्षर है, और मेरा बड़ा ही प्यारा रचनाकार है, मैं उसे निवेदन करूंगा कि हाँ मंच छोड़ने से पहले एक समकालीन कविता पहले सुनने करके जाए, क्योंकि कभी पूछती थी ना एक छोट। भाई काफी देर तक अमित